आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। अवैध खनन में एक से दो व्यक्ति के भी दबे होने की बात सामने आ रही है। अवैध उत्खनन स्थान के में धसान होने की वजह से सोनवाद जाने का रास्ते का हिस्सा भी धस गया है। कई स्थानों पर दरारें पड़ गई है। घटना के बाद सोनवाद गांव के लोगों में दहशत है और देर शाम यह घटना होने की वजह से ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। हम आपको बता दें कि ये चापापुर वन कोलियरी कई साल पहले बंद हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद अवैध खनन हो रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता समामा जुड़े हुए हैं। समामा, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? जी समामा, हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। गांव वाले काफी परेशान हैं, भयभीत हैं। बताया जा रहा है कि अवैध खनन जो लोग कर रहे थे, दो लोग भी जमींदोज हो गए हैं। समामा, ये खबर कहां तक सच है कि दो लोग जमींदोज हो गए हैं बताया जा रहा है? जी उदय, मैं बता दूं कि आज देर शाम ईसीएल के बंद चापापुर खदान में अवैध उत्खनन के दौरान सोनबाग से बरईगड़ा के बीच में 40-50 फुट के दायरे में लगभग धसान हो गया। जोरदार आवाज के साथ धसान इतना जोरदार था कि पूरा इलाका, आसपास का कई इलाका, कई पेड़, कई लोग जमींदोज हो गए। हालांकि जो बात सामने छन कर आ रही है उसमें दो से तीन लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। और पूरे माहौल, आसपास का जो पूरा इलाका, जो ग्रामीण है, जो काफी दहशत में है, इसको लेकर आपको बता दूं कि नेस्ता और गोविंदपुर के बीच का, चूंकि ये एक बॉर्डर एरिया है और इसका फायदा उठाकर कोयला चोर बड़ी संख्या में रोजाना वहां अवैध उत्खनन करते हैं, और जिसको लेकर मतलब हालांकि पुलिस भी है काफी लेट दिनों से, लेकिन अभी तक पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं है, और इसको लेकर काफी हंगामा, मतलब वहां पे एक दहशत का माहौल बना हुआ है। जी, वहां पे अवैध खनन हो रहा था, बताया जा रहा है कि इस खदान को काफी पहले बंद कर दिया गया था। 4-5 वर्ष पूर्व से ही ये खदान बंद पड़ा है, जिसका लेख, हालांकि लेख कोयला चोरों का एक सिंडिकेट काफी लंबे समय से यहाँ काम कर रहा था। बॉर्डर इलाका होने की वजह से वहाँ कोयला चोर बड़ी संख्या में वहाँ इकट्ठा होते हैं, और वहाँ कोयला इकट्ठा करके पिकअप वैन या ट्रक के माध्यम से आसपास गोविंदपुर के जो आसपास भट्टा है कोयले को, उनको वहाँ पे कोयला खपाने का काम किया जाता है। जी बिल्कुल। समामा, आखिर किसे जिम्मेदार माना जाए अगर ऐसा हादसा हो गया है तो? पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये पुलिस प्रशासन के दोष अगर पूरी तरह देखा जाए, स्थानीय प्रशासन और ये पूरे सीआईएसएफ और पूरी मिली भगत अगर देखी जाती है, इसमें मानी जाती है, और जिसको लेकर मतलब काफी दिनों से ये चर्चा रहता है, लेकिन वो वक्त आ गया जब मतलब जहां जमींदोज हो गया, कई लोग दबे होने के, दो से तीन लोग दबे होने की आशंका बताई। समामा, अगर ये लोग जमींदोज हो गए हैं तो क्या इन्हें निकालने के लिए कोई प्रयास होगा या अभी उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा? पुलिस अभी तक वहां घटना स्थल पर नहीं पहुंची है। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले से इनकार कर रही है, जमींदोज मतलब किसी के दबे होने के आशंका से इनकार कर रही है, लेकिन हालांकि ये सच्चाई जो लोग ग्रामीण बता रहे हैं कि अभी भी कई लोग, हालांकि इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो जख्मी हालत में वहां निकाले गए हैं, जो गांव के अंदर ही उनका इलाज चल रहा है, बाकी जो लोग दबे हुए हैं, अभी ये देखने की बात होगी कि पुलिस कब तक पहुंचती है इन लोगों को, मतलब एक रेस्क्यू करके इनको निकाला जा सके। यानी देर रात अभी रेस्क्यू का काम भी वहां नहीं हो सकता, सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। और ये अभी तक किसी तरह की कोई पुलिस प्रशासन या कोई रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंची है, और जो लोग दहशत में है, ग्रामीण काफी डरे हुए हैं, हालांकि अभी तक पुलिस पहुंची नहीं है, किसी तरह कोई रेस्क्यू वर्क नहीं किया जा रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता समामा अवशाल, जिनका कहना था कि काफी सुनसान इलाका है जहां ये घटना हुई है, और इस खदान को काफी पहले बंद कर दिया गया था, उसके बावजूद कोयला चोरों का गिरोह वहां से अवैध खनन कर रहा था, और अब हर किसी को इंतजार है सुबह होने का। लगता है कि राहत या फिर लोगों की, जो लोग गुमशुदा बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश का काम भी भोर होने पर या सुबह दिन चढ़ने पर ही आरंभ हो पाएगा।